हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग नवीन पहाड़ी ब्लॉग्स। तो गाइस, आज हमारे लाइफ का ना सबसे पहला मोटो ब्लॉगिंग है। और गाइस यार, आप ब्लॉग को पूरा ज़रूर देखना और फुल एंजॉय करना, और कमेंट करके गाइस ज़रूर बताना कि आपको हमारे मोटो ब्लॉग्स कैसे लग रहे हैं। अगर आप कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो फ्यूचर में जब भी हम ब्लॉग बनाएंगे ना, तो कुछ ब्लॉग हम नहीं बनाएंगे, वो हमारे मोटो ब्लॉग रहेंगे, ताकि आपको भी कुछ नया देखने को मिले। क्योंकि यार मोटो ब्लॉगिंग में बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ मिलती रहती रास्ते में, तो आपको भी मज़ा आता रहेगा और मुझे भी ब्लॉग्स बनाने में मज़ा आता रहेगा। इसलिए आप कमेंट करके ज़रूर बताएं गाइस। तो अभी सबसे पहले यार, अभी ना मैं जा रहा हूँ यहाँ अपना जॉली ग्रांड की साइड, क्योंकि हमारी जो बेबी है वो वहीं पर पैदा हुई थी। और यार गाइस ना, वहाँ पर ना अभी हमें बनाना है बर्थ सर्टिफिकेट अपनी बेबी का, क्योंकि वो 5th मंथ की हो चुकी है, 5 महीने उसको हो चुके हैं बेबी को हुए। और ऑनलाइन बनाने में बहुत लंबा झंझट है, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। बट गाइस, जो ऑफलाइन है ना, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। और अभी पहले मैं जा रहा हूँ अपने प्लॉट पे, यानी कि जहाँ पर हमारा घर बन रहा है, और वहाँ पर देखना कि एक्चुअल में काम, जो लोग काम कर रहे हैं, आखिर में काम कर क्या रहे हैं। उसके बाद हम निकलेंगे सीधा भाई डोई वाला के लिए, जो कि देहरादून और ऋषिकेश के सेंटर में पड़ता है, यानी कि बीच में पड़ता है। और अभी आप देखो कि यार, ये हमारी रोड है जिसको बोलते हैं ऋषिकेश में गड़ी मैचक, गड़ी श्यामपुर बोलते हैं इसको। तो चलो मैं आपको सीधा लेके चलता हूँ अपने घर के पास। तो लो जी गाइस, हम आ चुके हैं घर के पास और बुआ है, क्या लेके जा रही है। हाँ बुबू, क्या क्या खाणो क्या ने? अच्छा, जानवर है अच्छा, अमन का अच्छा तक वहाँ ठीक ठीक। तो यार अभी बुआ कह रही थी कि अभी ना जो गायें होती है, और आवारा गाय जिसको बोलते हैं, घूमती रहती है, तो वो खेत में नुकसान कर रही है, तो इसलिए झाड़ी वाड़ी वहाँ पर ना लगानी पड़ रही है। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो अभी यार एक बात तो गाइस ये है कि अभी देखो आप, इतना काम स्लो चल रहा है, पूरा 1 साल हो चुका है। और फरवरी सन 2022 में हमने ठेकेदार को ठेका दिया था, और ये हो चुका है सन 2023 और फरवरी का मंथ चल रहा है। अभी भी हमारा घर देखो कितना सारा काम पेंडिंग है यार। और मुझे लगता है जिस हिसाब से ठेकेदार काम करवा रहा ना, ये कम से कम 2 से 3 महीना और लगेगा। बहुत बड़ा फंस गया यार मैं ठेकेदार के चक्कर में, वरना मैं लेबर रेट पर करवाता। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि आखिर ये लोग कर क्या रहे हैं। और भाई ये भी चल रही घिसाई, और हमारे घिसाई वाले हैं, अभी बोलता हूँ मिस्त्री को बंद करने को, बंद करो क्यों। तो अभी सीन मिस्त्री जी है, अरे वो नहीं आए क्या, वो अपना पीओपी वाला संजू भी नहीं आया आज। एक लड़का था सुबह आ रखा, वो कहाँ गया? हाँ ऊपर कर रहा है। चलो ठीक है ठीक है। तो अभी गाइस घिसाई चल रही है, और ऊपर मैं आपको लेके चलता हूँ। और ये देखो सीढ़ी मैंने साफ करवाने के लिए कहा था लड़के को। और यहाँ पर गाइस एक गड़बड़ हो गई है, कि यहाँ पर जो घर का ये पोर्शन है ना, यहाँ पर एक पट्टी लगवानी पड़ेगी पत्थर की, क्योंकि यहाँ पर ना वरना पानी आएगा इधर को, है ना। तो चलो यार अब निकलते हैं डोई वाले के लिए। अभी यार गाइस हम आ चुके हैं हाईवे के पास में, और ये है भाई मेन हाईवे, और यहाँ से लेते हैं लेफ्ट को। तो यहाँ से लिया हमने लेफ्ट, और भाई फूड ट्रक, कमाल हो भाई। और भाई ये है गाइस बहुत बड़ा फ्लाईओवर, और बेसिकली ये फ्लाईओवर इतना बड़ा है गाइस कि यहाँ पर ना हाथी जो होते हैं ना, हाथी, वो उनके लिए बिल्कुल यहाँ से इजीली वो निकल सकते हैं, आ जा सकते हैं। बट यहाँ पर ना ये 2-3 साल पहले बहुत बढ़िया काम हुआ था, और अभी देखो कि प्रॉपर 4 लाइन हो चुका है, 2 लेन इस साइड है और 2 लेन इस साइड है, यानी कि 2 गाड़ी एक साथ चल सकती है यहाँ पे, और 2 साइड चल सकती है एक साथ। तो बहुत कमाल की रोड बन चुकी है अभी तो। तो अभी गाइस हम पहुंच चुके हैं जस्ट डोई वाला के बगल में। अभी देखेंगे आप, सामने बोर्ड लगा हुआ है डोई वाला 2 किलोमीटर है, और आगे से हमें लेफ्ट होना है। तो अभी हम जा रहे हैं नगर पंचायत होता है, नगर पंचायत होता है ना, वहाँ हम जा रहे हैं, और वहाँ से हम जो है अपने गुड़िया का, अपने अनन्या का जो है बर्थ सर्टिफिकेट बनवाएंगे।
नगर पंचायत डोई वाला कहाँ पे है? नगर पंचायत भैया, नगर पंचायत डोई वाला कहाँ पे है? पुल पार करने के बाद कहाँ किस साइड पड़ेगा? चौक पता कर लेना। चौक? अच्छा, पुल पार करके चौक पता कर लेना। वही आसपास है क्या? ठीक है, थैंक यू। अंकल जी, नगर पालिका कहाँ पे? वो नीला बोर्ड लग रहा आगे जाके। अच्छा, नीला बोर्ड लगा क्या? थैंक यू भाई। तो यार गाइस, पता क्या होता है कि जब हमें कोई चीज़ पता नहीं होती है ना, तो उसके बाद हम किसी हेल्प लेने का ट्राई करते हैं, तो लोग ना बहुत घुमाते हैं यार सच में। और गूगल मैप पे कभी कभी चीज़ें ना एक्यूरेट मिलती नहीं है, क्योंकि गूगल मैप पे ना लोकेशन जहाँ पर होना चाहिए वहाँ पर होता नहीं है। तो अभी ये है नगर पालिका परिषद डोई वाला। तो गाइस, फाइनली हम पहुंच चुके हैं नगर पालिका परिषद डोई वाला, और यहां से लेंगे हम अंदर। तो देखते हैं कहां पे है, यहां से लेफ्ट दिखा रहा है। भैया क्या कर रहे हैं? इनको शायद घुमा नहीं है, थोड़ा पीछे ले लो। और मैं भी पहली बार आ रहा हूँ यहाँ पे नगर पालिका परिषद। गाइस आ चुका है यहाँ आगे कार्यालय नगर पालिका परिषद डोई वाला देहरादून। वाह, अभी गाइस हमने अपनी गुड़िया का जन्म प्रमाण पत्र बना दिया है, यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लिया है, और अब भाई हम निकलते हैं। और यार अच्छी बात ये रही कि मुश्किल से हमारा ना एक घंटे में जो सर्टिफिकेट बन चुका है, और हम दोबारा नहीं आना पड़ेगा, सिग्नेचर भी प्रॉपर हो चुके हैं। तो चलो यार, ये तो बढ़िया काम हो गया। और अब हम गाइस निकलते हैं वापस, और आप ब्लॉग पर कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ब्लॉग कैसा लग रहा है। कहाँ जाओगे? मैं थोड़ा आगे माजरी। हाँ माजरी। अच्छा बैठो, ये लगा देना यार, जरा क्लिप लगा देना पीछे। लगा दी। एवे उतरोगे? थैंक यू। ठीक है दोस्त। तो गाइस, जब भी हम कभी ना अकेले रहते हैं ना, कभी हम जा रहे होते हैं और आपको कभी कोई हाथ दे देता है ना, खासकर ऐसे टाइम पे, दिन के टाइम पे, रात के टाइम पे बिल्कुल यार रोकना सेफ नहीं है। बट दिन के टाइम में अगर किसी की हेल्प आप कर सको तो ज़रूर करो, क्योंकि यार जब आप खाली जाओगे उससे क्या फ़र्क पड़ता है कि अगर किसी को बिठा लोगे, है ना। और बड़ा अच्छा लगता है भाई, देखो सीधी सी बात है कि जब हम बच्चे थे ना, छोटे थे, तो हम भी स्कूल के टाइम में गांव में हाथ दिया करते थे कि काश कोई हमारे लिए गाड़ी रोक दे और हम फटाफट से घर अपने पहुंच जाएं। तो अच्छा लगता है गाइस,